आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात में अपनी पैठ बनाने में लगी हुई है, और अगर ये कहें कि इस कोशिश में आपको सफलता भी मिली है तो ये कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि गुजरात के सूरत में नगर पालिका के चुनाव में 27 सीटों के साथ जीत हासिल करके आप पार्टी ने गुजरात में एंट्री मार ली है। इसलिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल खुद गुजरात की जनता का अभिवादन करने के लिए गुजरात के सूरत पहुंचे, जहां भारी संख्या में एयरपोर्ट पहुंचकर लोगों ने केजरीवाल का स्वागत किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। तो गोपाल भाई ने जैसा कहा, ये बहुत जरूरी है, आप 27 लोग और जो जो लोग चुनाव लड़े लेकिन जीते नहीं, आप सब लोगों की तरफ पूरा गुजरात देख रहा है। जैसे दिल्ली के अंदर पहली बार जब हमारी 28 सीट आई थी, वो 28 सीट क्यों आई थी? 28 सीट इसलिए आई थी, लोगों पे हमारे पे भरोसा था, लोगों को लगता था ये लड़के ईमानदार हैं, ये देशभक्त हैं, कट्टर देशभक्त हैं। हम लोग अन्ना आंदोलन से निकले हुए लोग थे, अन्ना आंदोलन में हम लोगों ने डंडे खाए थे, संघर्ष किया था, जेल गए थे, वाटर कैनन झेले थे, यातनाएं झेली थी पुलिस की, तो लोगों को लगता था ये लड़के अच्छे हैं। बस उस भरोसे पे लोगों ने हमको 28 सीट दे दी। भगवान ने हमें 49 दिन का मौका दिया और उस 49 दिन के अंदर हमने इनकी ऐसा झाड़ू फेरा, उस 49 दिन के अंदर हमने बिजली फ्री कर, बिजली हाफ कर दी, बिजली के रेट हाफ कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया, खूब काम कर दिया 49 दिन में, रिश्वतखोरी बंद कर दी दिल्ली से। और अगली बार जब चुनाव हुआ तो लोगों ने 67 सीट दे दी, 67 सीट, तो वो 49 दिन का काम 28 लोगों का देखा। अब आप 27 लोगों का काम गुजरात की 6 करोड़ जनसंख्या देख रही है। अभी मैं सोशल मीडिया पे जब आ रहा था, दिल्ली से आ रहा था, तो देख रहा था एक पत्रकार ने ट्वीट किया हुआ है कि मैं अहमदाबाद आई हुई हूँ उस स्टेडियम के अंदर मैच के लिए, और कह रही है मैं जहां अहमदाबाद में जा रही हूँ पूरे अहमदाबाद में एक ही चर्चा है, आम आदमी पार्टी की। यह आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया, तो आज पूरे गुजरात के अंदर ये चर्चा है, और पूरे गुजरात नहीं पूरे देश के अंदर चर्चा है कि ये सूरत में क्या हो गया, सारा देश आपकी तरफ देख रहा है। और अगर आपने अच्छा काम किया, 27 लोगों ने अच्छा काम किया, तो 2022 के दिसंबर में गजब की क्रांति आने वाली है गुजरात के अंदर।